आठ नए चैनल्स आ रहे हैं डीडी फ्रिज पर, आखिर कौन से हैं वो चैनल, किस प्रकार का कंटेंट दिखाने वाले हैं, सारी अपडेट देंगे, सही अपडेट देंगे और हर बार की तरह कुछ अपडेट तो सबसे पहले देंगे। हाँ तो स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल DTH Talks में, मैं आपका अपना दोस्त हर्ष। दोस्तों आज वीडियो में आखिर तक बने रहना क्योंकि वीडियो के एंड में आपको काफी बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इंट्रो लगाओ यार। DTH Talks मतलब क्वालिटी कंटेंट। गाइस सबसे पहले बात करते हैं चार चैनल्स की जिनको लॉन्च किया जा रहा है पेन स्टूडियोस के द्वारा। यस गाइस बात करें इन चैनल्स की तो ये सारे बीफ्लिक्स नेटवर्क के चैनल रहने वाले हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रूफ की ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये अपडेट 100% ट्रू है। गाइस कल के दिन पेन स्टूडियोज द्वारा रिलीज होने वाली अपकमिंग मूवी छत्रपति का ट्रेलर आया, जहां पर गाइस जो ट्रेलर जब भी किसी मूवी का आता है उसके लास्ट में ये क्लियर किया जाता है कि उसके टीवी राइट्स और ओटीटी राइट्स किसके पास है। तो जो छत्रपति मूवी रहने वाली है टीवी राइट्स हैं वो बीफ्लिक्स ग्रुप के चार चैनल्स के पास हैं। बात करें उन चैनल्स के नाम की तो उनमें से पहला चैनल है बीफ्लिक्स मूवीज, दूसरा है बीफ्लिक्स सिनेमा, तीसरा है बीफ्लिक्स म्यूजिक और चौथा है बीफ्लिक्स टीवी। तो गाइस इससे क्लियर हो जाता है कि ये चार चैनल्स आने वाले महीनों के अंतर्गत पेन स्टूडियोज द्वारा लॉन्च किए जाएंगे और क्योंकि ये बीफ्लिक्स नेटवर्क के हैं और उनके चैनल्स फ्री टू एयर ही रहते हैं तो ये चारों चैनल्स आपको डीडीएफ्लिक्स पर भी देखने को मिलने वाले हैं। बात करें गाइस अब अपने पांचवें चैनल की तो वो है एनरिच टीवी, जिसको GZ 17 93.5 डिग्री ईस्ट पर स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आप इस चैनल को ऐड करना चाहते हैं तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वह रह जाती है 4175 हॉरिजॉन्टल 13600। इस फ्रीक्वेंसी के साथ आप इस चैनल को फिलहाल ही ऐड कर वॉच कर सकते हैं, बस आपके पास 6 फीट का डिश एंटीना होना चाहिए। इसके अलावा हमारा छठा चैनल भी सैटेलाइट रिगार्डिंग ही है, जो कि है बिग टीवी, जो कि शुरू हुआ है GZ 30 83 डिग्री ईस्ट पर, जिस पर फिलहाल कलर बार देखने को मिला है। बात करूँ इसके फ्रीक्वेंसी की तो वो है 3756 हॉरिजॉन्टल 15000। तो गाइस ये दो चैनल सैटेलाइट पर स्टार्ट हुए हैं, अगर आप चाहें तो इनको 6 फीट के डिश एंटीना पर ट्रैक कर सकते हैं। बाकी अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इन्फॉर्मेशन जान के रह लीजिए, कुछ टाइम में हो सकता है ये डीडीएफ्लिक्स पर भी आएँ अगर ये फ्री टू एयर रहते हैं तो। चलिए बढ़ते हैं अपने सातवें चैनल की, जो कि ट्रेडमार्क के थ्रू आया है। चैनल का नाम है मनम टीवी। इसी प्रकार से हमारा आठवां चैनल भी ट्रेडमार्क द्वारा आया है, जो कि रहने वाला है क्यू टीवी। यस गाइस द क्यू नेटवर्क ने अपने एक नया चैनल क्यू टीवी के तीन लोगों को रिलीज किया है। देखते हैं MIB इनको किस लोगों के लिए अप्रूवल देती है और जिस लोगों पर इनको अप्रूवल मिल जाएगा उस नाम से आपको इनका एक नया चैनल देखने को मिल जाएगा। गाइस अब बात करते हैं एक बड़ी इन्फॉर्मेशन की। दोस्तों काफ़ी लंबे समय से आप देख रहे होंगे DTH कैटेगरी के यूट्यूबर DTH ट्रिक्स यानी कि नीतीश वर्मा का चैनल बंद पड़ा है, उस पर कोई वीडियो नहीं आ रही। फिलहाल अगर आप यूट्यूब पर चेकआउट करेंगे तो इनका चैनल देखने को ही नहीं मिल रहा। बात करें गाइस इसके पीछे की कारण की तो वो ये है कि गाइस इनके चैनल को यानी कि DTH ट्रिक्स चैनल को यूट्यूब द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया है। और गाइस मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे नीतीश वर्मा को सपोर्ट करें। आपको करना क्या है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके ट्वीट का लिंक दे रहा हूँ, आपको वहाँ जाना है और रीट्वीट करना है। आपका एक रीट्वीट बचा सकता है DTH ट्रिक्स, तो ज़रूर जाइए गाइस इनको सपोर्ट कीजिए और रीट्वीट कीजिए ताकि इनका चैनल वापस आ पाए और ये आपको भी DTH से रिगार्डिंग और अन्य DTH से रिगार्डिंग अपडेट्स दे पाएँ। तो रीट्वीट करना मत भूलना, धन्यवाद।